व्यू देखे गाइस, आगे का व्यू देखे, आहा क्या सुंदर सा दृश्य। आजकल साथियों यात्रा का सीजन चल रहा है, तो आजकल जगह जगह पर ट्रैफिक लग रहा है। अदरासी हो है जी, ब्रेक के बारे में नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हम श्रीनगर तक ही आ पाए थे, तो आज हम यहाँ से श्रीनगर से होते हुए गोपेश्वर की ओर रवानगी करेंगे। ठीक है, तब चलो। विनोद उमंग जी के ले चले कुछ। ठीक है, चल चल। एक साल वो आ गया आपका। मैंने फिर मैंने तो आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे श्रीनगर से होते हुए गोपेश्वर की ओर। आजकल साथियों यात्रा का सीजन चल रहा है, तो आजकल जगह जगह पर ट्रैफिक लग रहा है। ना ना, ये झंडा लगा था, झंडा लिया था। ये पकड़ जरा, कितने गए? 20 मिनी पकड़, मिनी पकड़ जरा। व्यू देखे गाइस, आगे का व्यू देखे, आहा क्या सुंदर सा दृश्य।
अभी हम मात कल ब्रैक से 3 या 2-3 किलोमीटर दूर होंगे और अभी हम यहाँ पे रुके हैं 5 PM में। हालत देखो इसकी और खराब हालत देखो हम लगातार 2 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं हो चुका हूँ जोकर और अब हम चलते हैं। बैठ गए गर्मी रुको जैसे कि हमने यहाँ देखा है कि लोग नहा रहे हैं तो ये इधर से नंदाकिनी नदी आ रही है और ये अलकनंदा नदी आ रही है और यहाँ पे संगम हो रहा है। भाई की हालत मद्रासियों से बदतर हो गई। मद्रासियों से इधर केला जा रही है। नाम नाम क्या सभाड़ो मद्रासी हो है जी बेग के बारे में नहीं बोलना। ये हमारा बर्रा है। बर्रा बोलते उसको बर्रा। साथियों लगभग 2 या 2.5 घंटे राइड करने के बाद हम फाइनली गोपेश्वर पहुंच चुके हैं। हम मुख्य मार्ग से न होते हुए शॉर्टकट रास्ते से आए हैं जो कि पटियाल धार से होते हुए सीधे बसंत विहार निकलता है, क्योंकि हमारे रहना है जो हमारा जो आवास है वह बसंत विहार में ही है तो इसलिए हम शॉर्टकट ही चलाए। तो साथियों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल फर्जी ब्लॉगर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।